types of motion. लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है. अब पहले इनको लिखेंगे हम. कौन कौन से टाइप्स बताए थे भाई? पहला टाइप था ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है बच्चा? इफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सच दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मोशन सॉरी ऑफ ऑब्जेक्ट moves together in same direction, then the motion is called translatory motion. ठीक है. ये translatory motion हमारा कितने तरह का होता है बेटा? ये भी होता है दो तरह का. एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, और एक होता है कर्वलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है भाई? अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ऑब्जेक्ट की वो एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, इफ या इसको सीधा ऐसे लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, ठीक है. अगर स्ट्रेट पाथ के अलावा ट्रांसलेटरी मोशन है तो मोशन हमारा कैसा कहलाता है? रेक्टिलिनियर मोशन. और कर्विलिनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग ए कर्व्ड पाथ, ठीक है. ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग ए कर्व्ड पाथ जो है वो हमारा क्या कहलाएगा भाई? कर्विलिनियर मोशन. सही चल रहा है यार यहाँ तक काम? यस सर. कोई दिक्कत किसी को? नो सर. ठीक है, ये हुआ हमारा ट्रांसलेटरी मोशन. और बेसिकली इस यूनिट में पूरे का पूरा हम ट्रांसलेटरी मोशन ही पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है. दूसरा टाइप ऑफ मोशन कौन सा था? रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन में क्या होता था भाई? इफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सच दैट all the particles of object
moves in circular path about a fixed axis altogether. ठीक है, then sir, good morning. Good morning. The motion of object is for. Sorry sir, आज late हो गया. कोई नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना है. Rotatory motion. बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तीसरा था यस सर रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन में क्या था भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन. इज कॉल्ड रोलिंग मोशन. ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये जो रोटेटरी और रोलिंग मोशन है, ये हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में 11th क्लास की. ठीक है, इनके एग्जांपल अगर तुम साथ में लिखना चाहो, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. एग्जांपल बता सकते हो? बोलो. वेज स्लाइडिंग ऑन आइस क्यूब. एक बड़ा सा अगर हम आइस क्यूब ले ले, उसके ऊपर कोई भी एक वेज को स्लाइड करा दे, तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? ट्रांसलेटरी मोशन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे मोशन ऑफ फैन कह दूं? बोलो. यस सर. ठीक है, तीसरा कौन सा था? रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन का एग्जांपल बताओ. मोशन ऑफ टायर्स ऑफ ए व्हीकल. सही कह रहा हूं? जब भी कोई व्हीकल मूव करता है तो उसके टायर क्या करते हैं? उसके टायर उसके एक्सल के अबाउट हमारे रोटेट करते हैं, और जो एक्सल है वो एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग क्या करता है? मूव करता है कि नहीं करता है? रोलिंग सॉरी ट्रांसलेटरी भी है और रोटेटरी भी है, और इनका कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहलाता है? रोलिंग मोशन कहलाता है. ठीक है, चौथा टाइप है बेटे ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. क्या होता है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पोजिशन. ठीक है, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन.
ठीक है, एंड इफ इन एन ऑसिलेटरी मोशन displacement of particle from its mean position is very small. Then the motion is called vibratory motion. ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताओ. सिंपल पेंडुलम देखा बेटा, पेंडुलम ऑफ क्लॉक. उसका जो मोशन होता है मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, वो हमारा कैसा होगा? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है, देन ऐसे मोशन ऑफ स्प्रिंग भी आप कंसिडर कर सकते हो इसमें. क्लियर, ये हमारे टाइप्स ऑफ मोशन हो गए. अब हमें इस चैप्टर में मेनली बात करनी है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए. ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे टर्म्स related to translatory motion. Translatory motion के साथ related terms के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, कौन कौन से terms related होते हैं भाई translatory motion से? ये थोड़ा बहुत 9th class में पढ़ाया अगर आपको याद हो तो. सबसे पहली टर्म है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड. नाम सुना है, बताओ. द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ followed by an object while moving. बेटा माइक ऑफ करें. From one position to another पोजीशन. जब भी हमारा ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जब मूव कर रहा है तो उसने जो रास्ता फॉलो करा है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, उस रास्ते की जो टोटल लंबाई है वो उस ऑब्जेक्ट की हमारी क्या कहलाती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहलाती है. ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल मान लो ये गया 5 मीटर, फिर ये आया 4 मीटर, फिर ये गया 3 मीटर. क्लियर है, वो टोटल कितना रास्ता चला है? 5 मीटर तक जाने में पहले चला 5 मीटर, फिर चला 4 मीटर, फिर चला 3 मीटर. टोटल कितना चला? 5 और 4, 9 और 3, 12 मीटर चला कि नहीं चला? इसमें जो पाथ फॉलो कर रहा है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? 12 मीटर. तो यही इसका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगा. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? यस सर. बोलो,
ऐसा यूनिट इसकी क्या होनी चाहिए बेटे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की? मीटर, मीटर। ठीक है, क्लियर। डाइमेंशनल फार्मूला, सर एल। लेंथ है और लेंथ का डाइमेंशनल फार्मूला होता था एल। अच्छा, इसमें कहीं कोई डायरेक्शन का लोचा है क्या? अगर ये 5 मीटर इधर जा रहा, 4 इधर जा रहा, 3 इधर जा रहा, अगर इसकी जगह ये 5 मीटर इधर जाता, 4 मीटर इधर जाता और 3 मीटर इधर जाता, क्या तब भी डिस्टेंस ट्रेवल हमारी 12 मीटर ही रहने वाली थी? बोलो। yes, यानी sir. इसमें डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं है, और डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं है तो एक कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए बताओ? स्केलर। बहुत अच्छे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, पक्का? सेकेंड टर्म है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, एनी आइडिया? चलो इसको मैं मिटाता नहीं, इसी से समझाऊंगा। सर शॉर्टेस्ट पाथ। भाई हमने ये कहा कि 5 मीटर इधर गया, 4 मीटर इधर गया और 3 मीटर इधर गया, तब वो ए से कहाँ पहुंचा? बी पे पहुंचा। लेकिन अगर वो यहां से सीधा यहाँ की सीध बांधता और सीधा चलता तो क्या ये शॉर्टेस्ट रास्ता होता है ए से बी तक जाने में? बोलो। और उस शॉर्टेस्ट रास्ते की जो लंबाई होती है, दैट लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया? द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट अवेलेबल पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। ठीक है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट अवेलेबल पाथ इन मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये भी लेंथ है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर, डायमेंशनल फार्मूला, बताओ सर एल। एल, अच्छा इसमें क्या डायरेक्शन का लोचा है? अगर मैं, मेरे को ये नहीं पता हो कि फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, तो क्या मैं इनिशियल से फाइनल तक शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ पाऊंगा? यानी फाइनल से, सॉरी, इनिशियल से फाइनल तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल, उसको फाइंड करने के लिए मेरे को इनिशियल से फाइनल किस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। और अगर डायरेक्शन का पता होना जरूरी है तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हमारा? बोलो। वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए
वेक्टर क्वांटिटी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ भाई सर। ये दो बातें समझ में आई? ठीक है, क्या यहाँ पे मैं दो तीन बातें आपसे करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्या डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट अवेलेबल पाथ की लेंथ है? और जब ये शॉर्टेस्ट अवेलेबल पाथ की लेंथ है तो क्या इससे कोई और छोटा रास्ता पॉसिबल है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में? नहीं है। तो क्या एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, मान लो ये ए है, ये बी है, यहां से यहां तक ये सबसे छोटा रास्ता है 10 मीटर का। तो इसके अलावा कोई भी रास्ता अगर मैं चुनूंगा वो डेफिनेटली 10 मीटर से क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा? कोई भी रास्ता उठा लो चाहे कैसा भी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? कैसा भी रास्ता उठा लो, हर एक 10 मीटर से क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा? और एक्चुअल जो रास्ता फॉलो करा जा रहा है उसकी जो लेंथ होती है क्या वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है? तो यानी इस केस में मैं यहाँ पे ये कहूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 10 मीटर हो सकती है या उससे हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी एक तरह से मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या लीस्ट केस में उसके क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलो यार, ये वाली बात समझ में आई क्या? यस सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो हमेशा ज्यादा होगा या एटलीस्ट इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक स्केलर क्वांटिटी है और ये फिजिक्स की भाषा में एक्चुअल रास्ते की लंबाई है, जो एक्चुअल रास्ता ऑब्जेक्ट ने फॉलो करा है व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो क्या उस रास्ते की लंबाई कभी नेगेटिव हो सकती है? तुम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, क्या जो रास्ता तुमने फॉलो करा है उसकी लंबाई कभी नेगेटिव में आ सकती है? नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव में आएगी। तो यानी यहाँ से क्या मैं ये कहूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? बोलो, पक्का? तो अगला जो पॉइंट है हमारा, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो कब होगा बताओ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है क्या यार, ये याद रखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड रास्ते की लंबाई है जो रास्ता फॉलो करा गया। ये अगर जीरो, इसका मतलब कोई रास्ता ही फॉलो नहीं करा गया, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट में है क्या, बताओ? यस सर। क्लियर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जरा ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझाता हूँ मैं यहाँ से आपको। मान लो यहाँ से स्टार्ट करा हमने, इधर चलने लगे ए पॉइंट से, 2 मीटर इधर गया मैं, फिर 4 मीटर इधर गया, फिर 4 मीटर इधर गया और लास्ट में 4 मीटर इधर गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बताना भाई। बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 14 डिस्टेंस, 14 डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ हो गया, क्या 14 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? 2 मीटर। नहीं समझना है आपको, ठीक है? देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो तुमने पूरे रास्ते की लंबाई देख ली, 2 4 4 4 2 + 4 + 4 + 4 14 मीटर आ गया।
डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट अवेलेबल पाथ देखोगे और वो ये है, बोलो यू दिख रहा है। अब आपको नजर आ रहा है भाई कि ये इतना 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 2 मीटर होगा कि नहीं होगा, यानी 2 मीटर मैग्नीट्यूड आना है। लेकिन बेटे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनिशियली हमने किधर चलना स्टार्ट करा था, इधर चलना स्टार्ट करा था कि नहीं स्टार्ट करा था, क्लियर हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं किधर चल रहा हूँ, इधर चल रहा हूँ, और इधर चल रहा हूँ मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई कि नहीं हो गई। और अपोजिट डायरेक्शन को वेक्टर में किस चीज से रिप्रेजेंट करा जाता है, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करा जाता है कि नहीं करा जाता है, बोलो। यस सर। यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर ना होकर के कितना होगा, -2 मीटर होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो है हमारा कितना, चौदह मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, -2 मीटर। यानी क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ भाई। बात समझ में आई क्या? यस सर। यानी यहां से जो मैं अगली बात कह रहा हूं वो ये है, ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है तुमने, ये पता है डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज सॉरी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतनी बात समझ में आई सभी को? यस सर। बताओ। ठीक है, तो आप तुमसे अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोलेगा किसी भी क्वेश्चन में, तो तुम फाइंड आउट कर पाओगे क्या, बताइए? यस सर। करोगे? एक दो एग्जांपल ट्राई करके देखो। Find distance traveled and displacement. ठीक है, ये है सवाल। बताओ भाई।
बताओ, बता सकते हो? पहले वाले में बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? बोलो, इसको नाम दे दिया ए बी सी, ओ ए प्लस ए बी सी, है ना? ओ ए कितना है? 7 मीटर। ए बी सी इसका सरकमफ्रेंस, ये सेमी सर्कल हुआ, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है कितना? 2πr, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? πr, 7 मीटर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 7। तो 7 + 22 हो गया क्या? नहीं होगा, सॉरी प्लस आएगा ना, सेवन मीटर प्लस 22 मीटर कितना हो गया? 29। डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई। तो -7 दिख रहा है सभी को? ओसी, और ओसी कितना आ जाएगा? -7 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इनिशियल से फाइनल चलो, सही है क्या? इस वाले में बताओ, बताओ डिस्टेंस। 5 तो ये रहा, प्लस ये पाई आर हो जाएगा क्या, है ना? एक काम करो, तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर दूं, इसको ना 3.5 मीटर रख लो, इसको 3 मीटर की जगह पे 3.5 मीटर रख लो, और इसको रख लो 5 मीटर, ठीक है? अब बताओ, तो 5 मीटर प्लस पाई आर प्लस 5 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? बोले तो 5 + π हो गया 22/7 इंटू 3.5 प्लस 5, ये 0.5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये 5 + 22 × 0.5 11 हो गया प्लस 5 कितना हो गया? 21 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, क्लियर हो रहा है सभी को? और डिस्प्लेसमेंट बताओ बेटा। यस सर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या ये लेंथ होगी हमारी? यस सर। बोलो, और ये लेंथ कैसे निकालोगे? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये 3.5, तो ये भी हमारी कितनी होगी? 3.5 मीटर। ये 3.5 7 × 5 = 12, तो ये साइड 5 मीटर है, ये 12 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। चलो अगले पेज में कर देता हूँ, रूट 5² + 12² बोले तो रूट 25 + 144 कितना आ गया? 169। और 169 का रूट कितना होता है? बोलो, 13 होता है कि नहीं होता है? इतनी बात समझ में आई सभी को? बताओ भैया। यस सर। कोई दिक्कत किसी को भी? बोलिए, डन है?
कल इससे आगे कंटिन्यू करूंगा बेटा, ठीक है? ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। पक्का बताओ? चलो कल कंटिन्यू करेंगे।